अलग अलग हादसे में जैन उद्योग समूह के 2 कर्मचारियों की मौत, 3 घायल। जलगांव की जैन इरिगेशन कंपनी के 5 कर्मचारियों पर शुक्रवार का दिन पहाड़ बनकर टूटा। 3 फिलहाल अस्पताल में हैं और 2 कर्मियों की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जैन इरिगेशन के सौर ऊर्जा विभाग के कर्मचारी नरेंद्र चौधरी किसी कार्य से कंपनी से घर की ओर जा रहे थे, तभी रेत ढोने वाले ट्रैक्टर ने शेरसोली नाके के करीब उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। जैसे ही कंपनी के लोगों को पता चला, उन्होंने नरेंद्र को सरकारी अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी ये समस्या कंपनी के अधिकारी समझ ही पा रहे थे कि अचानक एक और व्यक्ति को सरकारी अस्पताल लाया गया। बताया जाता है कि वो भी जैन इरिगेशन कंपनी में ही कार्य करते थे, जिनकी कंपनी के भीतर एक्सीडेंट से मौत हो गई। सूत्रों की माने तो दूसरे मृतक की कंपनी में ट्रॉली पलटने की वजह से मौत हुई। इस घटना में 3 और लोग घायल हुए, जिन्हें नाहटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना की खबर मिलते ही मृतक के बच्चे, रिश्तेदार और दोस्त वहां पहुंचे, किंतु अस्पताल में कोई भी उन्हें सही जानकारी नहीं दे रहा था, इसलिए मृतक के बच्चों ने क्रोध में कंपनी के उपस्थित सहकारियों को अपशब्द भी कह डाले। पहिला विषय म्हणजे तिथे कोणी नाही छे कानून सण टेकून दिलं म्हणजे माझ्या ओळखीचं का खून झालं काय असं झालेलं फोन थांबा इथे थोडं मनुष्य उत्तर आहे का तुम्ही असं काय बोलताय। कुछ लोगों ने कंपनी के अधिकारियों को फोन किया, किंतु उधर से सही जवाब न मिलने से मृतक के परिजन परेशान ही दिखे। हेलो, तो नंबर जो है आता एक वाडले कसे इथून सुखरूप करी धरून गेलं ते आमच्या मग तिथे जेल मध्ये गेले और ते वाडले ते तिथे कसे वाडले एकल। अरे गर्दी झाली म्हणजे ते मध्ये गेले ना आमच्या घरून सुखरूप गेले ते आमच्या घरून सुखरूप गेले ना साहेबांचा नंबर दे तू नंबर द्या म्हणा सोडा म्हणा ते बाकी साहेबांचा नंबर द्या तू नंबर इथे आलो आम्ही आलो होतो चौधरींच्या केस मध्ये आल्यावर आम्हाला कळली त्यामुळे एक्झॅक्ट तुम्ही जसं म्हणाल की घटना कशी घडली किंवा काय नक्की विषय तर तो माझ्या बाबतीत म्हणजे मी तिथे रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे ना तो म्हणू शका कुत्रा आहे का मारून म्हणजे साला माझ्या पप्पा चौधरी जो होतोय तो चौधरी चौधरी काय का माझ्या। आखिरकार काफी देर के बाद कंपनी के कुछ जिम्मेदार अधिकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने उपस्थित मृतक के परिजनों को समझाया एवं कंपनी की ओर से मदद का भरोसा दिया। कंपनी व्यवस्थित आलेलं आणि तुम्ही त्यांना मारून बाहेर आणलं ना मग कंपनीच्या गाडीला आणले ना त्यांना चार लोक होते त्याच्यामध्ये त्यांच्या सोबतचे नाही यांना पण मला वाटतं झालं ना म्हणजे कंपनीत आवारात झालं आम्ही स्वतः पहिले आम्ही सगळं आवाज त्याच्यामुळे आम्हाला फार कसं आहे कारण बाहेर पूर्वी तुमचं आता तुम्ही काय वाक्य वापर बाहेर म्हणजे दोन ऍक्सिडेंट माझा जो ऍक्सिडेंट झाला तो बाहेरच झालेला आहे पण सांगतोय मी सोबतच झालेला आणि ट्रॅक्टरचाच झालेला आहे सोबतच झाला पहिला ऍक्सिडेंट झाले पण माणूस गेला तिथे ट्रॅक्टरवाल्याने त्याला उडून गेला पोटावर गेला विचारा तो दुसरे गेला हे चारही वाला नाटाला अर्ध्या तासाच्या अंतरच सर्व झालं नाटाला आणलं तिथनं इथे शिकवलं आपण तरत लगेच आणि कंपनी पूर्ण मदत तिथे करेल म्हणजे कसं उगाच ते कंपनी त्यांचा आक्रोश असा होता का माझा मारेल कोणी मारून म्हणून बोलताही शकत नव्हतं जबाबदारी पण आपण घेतोय कंपनी जबाबदारी जबाबदारी पण घेतोय याच्यात त्याला कुठलाही आर्थिक नुकसान होणार नाही उतरती होती करत ना गेर चारी जण आटाला गेली पण त्या भाऊंना जास्त सिरियस झालाय शिकले जे काही तिकडे बरोबर आणि 3 ऑलरेडी तिथे नाटाला ऍडमिट जखमी। इस घटना के संबंध में इंडिया अब तक न्यूज ने जैन इरिगेशन से मेल द्वारा दोनों घटनाओं पर खुलासा मांगा, किंतु खबर लिखे जाने तक कंपनी द्वारा रेत के ट्रैक्टर वाली एक घटना की ही प्रेस नोट प्राप्त हुई थी। जलगांव से आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।
ऊंचाई से गहराई तक खबर पहुंचाई आप तक।